गुड मॉर्निंग गुलजार साहब, गुड मॉर्निंग यतीन्द्रा, गुड मॉर्निंग जयपुर, एंड वाई आर वी ऑल हियर? वी आर ऑल हियर बिकॉज मी माई सेल्फ फर्स्ट, यतीन्द्रा फर्स्ट अगेन, एंड ऑल ऑफ यू फर्स्ट थर्ड लव गुलजार साहब, राइट? राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस, गिव मी दैट बुक यतीन्द्रा प्लीज, वी गोइंग टू डिस्कस दिस वंडरफुल बुक विच इज अ बायोग्राफी बट नॉट अ बायोग्राफी. सो डोंट लुक फॉर अ लाइफ स्टोरी, लुक फॉर द स्टोरीज बिहाइंड द लाइफ, राइट? एंड आई कॉम्प्लीमेंट यू यतीन्द्रा फॉर राइटिंग दिस वंडरफुल वंडरफुल टोम. गुलजार साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा था दैट योर बायोग्राफी इज़ इन योर वर्क, यू डोंट नीड टू राइट अ बायोग्राफी और राइट एन ऑटोबायोग्राफी, तो फिर यतीन्द्र को क्यों ये स्पेशल बेनेडिक्शन? जी, अब ये देखिए, हमेशा ये होता है कि मुमतहिन जिसे कहते हैं ना एग्जामिनर, वो कोई ना कोई टेक्स्ट बुक से बाहर के सवाल करना शुरू कर देता. अब बताइए, हालांकि यतीन्द्र मेरे साथ कोई 14 साल इस किताब के लिए घूमे हैं और 14 साल के बाद मैं अयोध्या पहुंचा. आप अयोध्या के राजकुंवर हैं, आप जानते हैं ये राजकुंवर हैं, राजा साहब हैं हमारे, हम प्यार से लॉर्ड से राजा साहब भी कहते हैं, अयोध्या के राजकुंवर हैं इस वक्त भी, हाजिर में, हाल में और मुस्तकबिल में, इन फ्यूचर में. तो 14 साल लगे वहाँ पहुँचते हुए इनके पास, क्योंकि ये उस जगह पे बैठे हुए थे जहाँ भगवान को पहुँचते हुए 14 साल लगे वनवास से. अब बायोग्राफी मेरी बायोग्राफी नहीं है. वो सारे जितने मुश्किल तरीन सवाल हो सकते थे, ये वो सवाल लेके मुझे किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी मोड़ पे मिल जाते थे और कहते थे इसका जवाब देखे जाइए, आप इसका जवाब बताइए. हालांकि सच ये है कि मेरी बायोग्राफी अगर कहिए तो यह जिस तरह से इनके रिएक्शन और मुझे इन्होंने इस्तकबाल किया, जिस तरह मुझे वेलकम किया, उस हुल्लड़ और ताली से मेरा बायोग्राफी ये पढ़ी, ये मुझे मुझसे ज़्यादा जानते हैं, यतीन्द्र उनसे ज़्यादा जानते हैं, और जो यतीन्द्र जानते हैं वो आप वादे कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं अंग्रेज़ी में. ये हिंदी में कहते हैं, आप अंग्रेज़ी में कह रही हैं, मैं कुछ कुछ हिंदुस्तानी में बोल लेता हूँ तो मैं बताता हूँ. यतीन्द्र, ये बात मुझे आप बताइए कि what was the modus operandi of your sadhana? I mean, this book is not an easy book to write. इसमें तो बहुत ही मोड है, you know, which you have to keep turning and finding and looking for. इसके बारे में just share with the audience. धन्यवाद सत्या जी. सबसे पहले जयपुर में आप सबको नमस्ते और गुलजार साहब का हार्दिक आभार, शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया. और जब मैंने ये किताब करनी चाहिए, उसके पहले गुलजार साहब ने के लिए मैंने 2 काम किए थे. उनके फिल्म गीतों का एक मजमुआ बना था मीनों से दिन, और नॉन फिल्म सॉन्ग्स जो नज़में थी यार जुलाए, दोनों मैंने एडिट किए थे. तो उस दौरान गुलजार साहब के नज़दीक आता गया. मैं हर मंच पे कहता हूँ, जिस उम्र में मैंने काम शुरू करना शुरू किया, 20-22 साल की उम्र थी, 14-15 साल लगे, और आप सब लोग एक बरगद का पेड़ हो चुके थे, चाहे वो लता जी हैं, चाहे वो गुलजार साहब हैं, चाहे बिस्मिल्लाह खान साहब. तो एक उम्र का जो फासला था वो एक छूट ले लेता था. फादरली फिगर की तरह थे गुलजार साहब मेरे लिए. तो मैं बदमाशी भी करता था तो डांट पड़ती थी, लेकिन मान जाते थे. तो एक ये हिम्मत हुई कि कुछ पूछा जा सकता है. और जो सबसे बड़ी बात गुलजार साहब के सोहबत में बैठ के काम करने को मिली, कुछ भी आप, कुछ भी विचलित करने वाला, कुछ भी डिस्कम्फर्ट में डालने वाला सवाल कर सकते हैं, जिरह कर सकते हैं, आपको पूरा स्पेस है कि गुलजार साहब आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे, कन्विंस करेंगे, और आपको आपकी राय के साथ छोड़ देंगे. वो ये कभी नहीं करने वाले. उन्होंने कभी मेरे किसी टेक्स्ट पर क्वेश्चन नहीं किया. जो मैंने लिखा, जैसे पढ़ा, जो बताया, फैक्ट्स चेक किए खाली,
कि ये साल बेटा ऐसे नहीं ऐसे है या इस डायरेक्टर के साथ नहीं ये उस फला डायरेक्टर के साथ ये हुआ था। तो काम करते समय जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे हाथ पांव फूल गए कि एक ऐसा शायर जो फिल्म गीत भी लिख रहा है, पटकथा भी लिख रहा है, संवाद भी लिख रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, फिर उसके बाद फिल्में भी बना रहा है, गीत भी लिख रहा है, मतलब और कहानियाँ भी लिख रहा है, PWA की मीटिंग्स में भी जा रहा है, वहाँ कोई जिरह हो रही है तो उसका जवाब वो बहस से ना दे करके कहानी लिख कर कर रहे हैं। तो मेरे लिए एक ऐसी वास्ट रेपर्टरी थी कि जिसमें उतरना बहुत मुश्किल काम था। और जैसा कि भारत में परंपरा है, क्षमा चाहते हुए, हमारे आर्काइव्स नहीं होते, बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, सिनेमा संबंधित चीज़ों की पेपराजी ज़्यादा होती है, फैक्ट्स सही मिलते हैं, गॉसिप ज़्यादा होती है, गॉसिप फिल्म मैगजीन कहा ही जाता है, तो मुझे फैक्ट्स ढूंढने में मुश्किल होती थी, उसको इकट्ठा करने में। मैं बहुत सारे आर्काइव्स गया, लाइब्रेरीज गया, लेकिन वो जो गुलजार साहब ने कहा कि लोगों के जहन में जो मौजूद था उन तक पहुँच करके बातें निकली, लोगों ने बताई। गुलजार साहब ने खुद कहा कि प्लेबैक सिंगर भूपेंद्र से बात करो, सर के पहले लता जी पे काम किया था तो घंटों लता जी को रिकॉर्ड किया था गुलजार साहब के कंटेक्स्ट में। कुछ इनके आत्मीय स्वजन जो फिल्म के लोग हैं उनसे बात होती रही, पुराने फिल्म मैगजीन्स जो थोड़े कायदे के थे जिसमें ठीक ठाक रिपोर्टिंग होती थी वहाँ की चीज़ें निकालना, विविध भारती ने मेरी बहुत मदद की। हाँ, उसमें जो बहुत सारे गुलजार साहब के और आरडी बर्मन के इंटरव्यूज़ हैं जो समय समय पर आपने दिए, तो ऐसे बहुत सारे विग्नेट्स में से गुलजार साहब को ढूंढना। और जब लिखने बैठा कोई चैप्टर करता था तो इस फिल्म में एक गाना इनका है, उस फिल्म में डायलॉग इनके हैं, इस फिल्म के इस फ्रेम में बाद में इंटर किए हैं, तो ये इस बात में पूरा एक दशक का समय बीता। मुझे बहुत धैर्य था, सर ने बहुत मदद की, हर यात्रा में जहाँ तहाँ भी हो सकता था, गुलजार साहब 3 दिन के लिए भी अगर दिल्ली आते थे तो मुझे बुला लेते थे कि मैं एक दिन खाली हूँ, तुम्हारे लिए समय निकाला है, दिल्ली आ जाओ। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के इनके फेवरेट सुइट में बैठकर हम लोग दिन रात रिकॉर्डिंग करते थे। फिर जो आपने मोडस अपरेंडी पूछा, मैंने बड़े बुज़ुर्गों के लिए सीखा, आपके सवाल के दायरे से वो बाहर हैं, वो नाकाफ़ी है कि आप कुछ पूछें। आपकी जितनी उम्र नहीं है उतनी उम्र तो उन्होंने सिर्फ फिल्म गीत लिखते उससे कुछ ज़्यादा समय करते हुए गुजारी है। तो मैं हमेशा अपना टेप, अपना फ़ोन ऑन रखता था कि कुछ भी बोले वो रिकॉर्ड करना है, फिर उस पर स्टडी करनी है, फिर उसमें से सवाल बना के लाने हैं। तो मैं हमेशा वॉचफुल रहता था, देखता रहता था किससे क्या बात कर रहे हैं। इनके एक फेवरेट इनके मित्र हैं, पेंटर हैं, गोपी गजवानी जी। गुलजार साहब ने उनको डिनर पे बुलाया और गोपी और मैं रिकॉर्डिंग करने पहुंचा था इंटरव्यू का, तो पता चला इंटरव्यू तो किनारे लग गया, गोपी गजवानी और गुलजार साहब आपस में बात करने लगे। तो 2 मिनट के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत शानदार बात हो रही है, तो मैंने उस टेप को ऑन रखा और ये 2008-09 की बात है, और ये लोग बात करते रहे, मैं रिकॉर्ड करता रहा। जब रिकॉर्डिंग हो गई, डिनर उनर हो गया, तो गुलजार साहब ने कहा अरे आपका तो आज इंटरव्यू रह गया, कल करें। मैंने कहा कल मुझे जाना है, इस बार का हासिल ये है कि आप और गोपी साहब ने बहुत अच्छी बात की है और वो पूरा चैप्टर इस किताब में आया है। तो मुझे लगा कि किसी बड़े शाहकार कलाकार, हरफन मौला शायर और बहुत एक ऐसे तजुर्बेकार इंसान जिसने पार्टीशन भी देखा है, जिसने यहाँ पे आके संघर्ष किया है, जिसने भाषा की बाउंड्रीज को मिला दिया है, हिंदी उर्दू के बीच में कहीं हिंदुस्तानी जुबान बोलती है, कहीं कोलोकियल लैंग्वेजेस में, बोलियों में, गीतों में आप जाइए, और मैंने बहुत थोड़ी सी कोशिश की है कि इनके गीतों को, इनके डायलॉग्स को, इनके सिनेमा की पटकथाओं को, जिसके न्यूएंसेस आपको इनकी कहानियों में भी मिलते हैं, फिल्म के संदर्भ से अलग हटा के सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी पढ़ने की कोशिश करिए, उनके अपने फैमिली के कंटेक्स्ट में भी पढ़ने की कोशिश करिए, तो आपको एक लिटरेचर का पीस मिलता है। और मैंने सवाल अंत किया है कि आप कैसे जाना जाना पसंद करेंगे जीवन में, एक शायर के तौर पर, एक लेखक, एक अफसाना निगार के तौर पर। तो मुझे लगता है कि एक अफसाना निगार को पकड़ने में लेखक या बायोग्राफर कितनी भी कोशिश कर ले कुछ छूट जाता है। और जो इस किताब में है, मेरी तरफ से ये एक मेरा डिस्क्लेमर है कि वो अधूरा है और वो आधी हकीकत है, वो आधा फसाना है। Very beautiful. Thank you.
बहुत अच्छा ब्यूटीफुली सेड बहुत अच्छा बोलते भी हैं आप और बहुत अच्छा लिखते भी हैं इसमें कोई शक नहीं आपका बयान भी बहुत अच्छा और अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया और ये सही है कि जब ये कुछ सवाल पूछते हैं और या किसी दूसरे के साथ बात करते हुए भी अगर उसमें से कोई सवाल पूछता है तो ये नहीं कि मैं जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ मैं जितना जानता हूँ वो बता रहा हूँ लेकिन ये उसके साथ साथ एक कुरेदना होता है उस लम्हे को और उस बात को जो ये बात कर रहे हैं ताकि ये सवाल इनके जहन में कौन सी वजह थी कि ये सवाल इनके जहन में आया जो साफ नहीं है या जो सवाल बन गया वरना मुझे जानते हैं मेरी शायरी जानते हैं मेरी नज़्म जानते हैं अफसाने पढ़े हैं तो जब ये पूछते हैं जैसे ये आपने पूछा था सतरंगी जो सतरंगा कहानी के लिए तो सतरंगा कहानी के लिए पूछा तो तब अब आदमी कॉन्शियस नहीं होता कि किस वक्त कहाँ से क्या बात सूझी थी समथिंग किसी चीज़ पे जिस पे आप रिएक्ट किया है आपने ये जो आपने महसूस किया है वो आपके अंदर कहीं घटती रहती है वो चर्न करती रहती है वो बिलोती है वो बात आपके जहन में और सतरंग का पूछा तो मैंने बताया मैं उस दिन आपको बताया था या बात की थी किसी से कि PW में बैठे हुए एक साहब ने सवाल किया था कि फाइन आर्ट्स बड़ी अच्छी बात है आप पेंटिंग कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है आप म्यूज़िक पैदा कर लेते हैं आप सितार बजा लेते हैं आप गा भी लेते हैं आप कहानियाँ भी लिखते हैं आप नज़में भी लिखते हैं क्या काम आती हैं कुम्हार की मिट्टी जब वो अंगूठे से बनाता है तो बर्तन तो काम आता है आपकी नज़्म क्या काम आती है आपकी पेंटिंग क्या काम आती है तो ये बात एक्सप्लेन करनी पड़ गई कि साहब आफ्टर ऑल फाइन आर्ट्स की जगह है क्या ये करते क्या हैं तो उसमें उसके जवाब में खुद को समझने के लिए अपने आप समझने के लिए तो वो चीज़ें कुरेदने के बाद वो कहानी बनी सतरंगा तो तब इन्होंने पूछा कि मैंने कहा देखिए कि ये आदमी किसान के बैल चल रहे थे उसको अच्छा लगता था कि जाके उसके बैल के सींग रंग दे तो उस गांव में हर आदमी को तेज़ी है अपने काम की तेज़ी है हर अपने काम में बिजी है तो उसको निकम्मा कहा जाता था इसको इस शख्स को जो सतरंगा नाम से है और फिर उसके बाद उसने कहा देख तू हल चलाता रहता है इसके ऊपर चढ़ के तो तेरे बैल बड़े अच्छे रिदम में चलते मैं इनके घुंघरू बांध दूँ गले में इसके घंटी बांध दूँ तो कह तू जल्दी कर जो तू कर रहा है देख सुबह सुबह भी मैं इसको लेके जाके चारा खिलाना है और उसके बाद हल जोतना है उसके बाद एक के बाद ये एक जो आदमी निकम्मा जिसको जुलाहे के पास जाता है वो परांधियाँ बना रहा है मालती की तो उसको कहता है किसके तू एक ही रंग क्यों बनाता है सारे खेस एक ही तरह के क्यों बनाता है इसमें ये डिज़ाइन बना दे इसमें तो उसने वो भी करना शुरू किया रात को उसकी बांसुरी सारे गाँव को जगाए रखती है और उससे परेशान होते हैं और ये आदमी बस एक दिन आके एक आदमी ने जिसको बहुत परेशान था जिसकी हवेली के नीचे बैठा हुआ ये बांसुरी बजा रहा था और गा रहा था जोर जोर से आया नीचे रुपा दिया वो उठाया अब इसका घर नहीं था कुछ नहीं था जगह नहीं थी वही एक थैला डाले हुए गले में कंधे पर वही लेके घूमता था और यही काम करता था उसको निकाल दिया गया उस गाँव से निकाल के हटा दिया गया और उस रात की खामोशी में सारा गांव जागता रहा और उसकी सुबह कोई हल नहीं चला किसी ने हल नहीं चलाया तो दैट्स द प्लेस ऑफ योर फाइन आर्ट तो मैं वो एक्सप्लेन करने के लिए वो कहानी लिख ली थी अब मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ गई तो मैं बता दिया हो सकता था मुझे याद ना रहती लेकिन कुछ ऐसा ही था नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर और सबसे मज़ेदार बात क्या थी कि कोई गाना था तो मैं उसका कंटेक्स्ट जानना चाहता था एक होता है कि फिल्म स्क्रिप्ट में गाना फिट है नायिका को ऐसे करना है नायक को ये करना है म्यूज़िक परकशन सब कुछ डिसाइडेड है लेकिन कुछ कुछ गानों में ये बात आती थी कि ये कैसे आया एक इनकी फिल्म है किताब
उसमें इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से ग्लोरी इस्तेमाल की, हरी दिन तो बीता रात हुई, शाम हुई रात पाठ करा दे, काल तो बीता कूल पार करा दे। तो उस लोरी पे बात की गुलजार साहब से, या बिमल राय की एक कम प्रचलित फिल्म है प्रेम पत्र, उसमें एक गाना है सर का, सावन की रातों में ऐसा भी होता है। तो मुझे फिर वो उसके पीछे का एक्सकवेशन मज़ेदार लगने लगा। मुझे लगा कि हर गाने की एक स्टोरी है, और उस स्टोरी में म्यूज़िक कैसे है, उसमें रागदारी कैसे है, उसमें किस तरीके से उस समय काम हुआ होगा, म्यूज़िक सेटिंग कैसे हुई होगी, किस वजन के शब्द, किस बात कैसे किए आपने, तो बहुत डिटेल में गुलजार साहब ने मुझे बताया। और मुझे लगता है कि मैं हर मंच से कहता हूँ, मैंने सर पे काम किया, लता जी पे काम किया, आप लोगों पे एक किताब मुकम्मल नहीं है। अगर गुलजार साहब के ऊपर किताब लिखनी हो, मैं टॉपिक सुझा सकता हूँ आपको कि एक गुलजार एंड आर डी बर्मन पे काम करिए, एक गुलजार और सलील चौधरी पे काम करिए, एक गुलजार और बिमल रॉय पे काम करिए। इतना इतना वास्ट है एक्सपीरियंस, इतना वास्ट है, इतनी सारी कथाएँ हैं, उपकथाएँ हैं, उसमें इतने उतार चढ़ाव हैं, इतने अपहीवल्स हैं, इतनी दर्द है, और जो आज भीड़ सामने खड़ी है, जो जनता प्यार से खड़ी है, वो सफलता देख रही है, जो असफलताओं के ब्यौरे हैं उसको इकट्ठा करना ज़रूरी है, वो कैसे आए हैं जीवन में, उसके लिए गुलजार साहब ने बहुत मदद की, और उसी में 14 साल लगे। उसी बात पे मैं भी जा रही हूँ कि इस किताब को मैं ट्रांसलेट करते समय मुझे लगा कि देर आर एरियाज ऑफ वेयर गुलजार साहब इज टचिंग द डेप्थ ऑफ मेमोरी विच इज सैड, उनकी बचपन की मेमोरी, उनके पार्टीशन की मेमोरी, दिल्ली में बसने की मेमोरी, द ग्रोइंग अप इन दिल्ली, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, लर्निंग सीइंग न्यू पीपल, लर्निंग अ न्यू वे ऑफ लाइफ। तो मैं तो जानती हूँ क्योंकि मैंने तो काफ़ी करीबी से पढ़ा है इस किताब को, पर आप गुलजार साहब इनके साथ शेयर कीजिए कि ये आपके आज के राइटिंग में इसका असर है कि नहीं, आपके बचपन के दिन का। नहीं, मतलब असर तो आपकी ज़िंदगी का आपकी राइटिंग में हुआ ही। कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी क्रिएशन में ये मेरे नहीं है। मेरे हर आदमी अपनी, हर आर्टिस्ट कहूँ, अपने हर फनकार अपनी क्रिएशन में शामिल है। वो चाहे पोस्टर बना रहा हो तब भी शामिल है, और चाहे वो पेंटिंग बना रहा हो तब भी शामिल है, क्योंकि वो ज़िंदगी जो जी रहा है, उसका हाथ, उसका दिमाग, उसकी उंगलियां उसी रिदम पे चलती हैं जो उसकी शख्सियत है, जो उसकी पर्सनालिटी है, और वो गायब नहीं हो सकती। वो झांकना सबका काम नहीं है, सब झांक नहीं पाते, देख नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अपनी ज़िंदगी का शैडो, अपनी ज़िंदगी की परछाई उसके क्रिएशन में शामिल है। कोई शाहकार, कोई भी बड़े से बड़े शाहकार में उसकी ज़िंदगी शामिल, वरना वैन गॉग क्यों अलग है? वैन गॉग दूसरे पेंटर्स अपने कंटेम्प्रेरी से क्यों अलग था? हालांकि दूसरों की पेंटिंग्स बिक रही थी, वैन गॉग की उसकी ज़िंदगी में एक भी पेंटिंग नहीं बिकी, लेकिन सारी के सारी आज अगर वैन गॉग को जिस तरह से देखा जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी नज़र आने लगी है उसके जाने के बाद। तो आप ये समझिए कि अगर मैं कोई, सॉरी गले में खराश है, उसकी एक गोली की वो हुआ करती थी ना, क्या, नहीं नहीं वो एक ऐड आया करती थी, हाँ गले में खराश, गले में है ना, तो बहरहाल कि मैं कह रहा ये था कि जो पार्टीशन का असर आप मुझसे जिक्र करते हैं, हमेशा बात करते हैं, मैंने कोई 9-10 साल की उम्र में वो ट्रेजेडी देखी है। 9-10 साल की उम्र में मैं देश का ख्याल नहीं आता था, क्योंकि देश समझ नहीं आता था पूरा। 9 साल की उम्र में नहीं समझ सकते, आपका पर्सपेक्टिव वो नहीं हो सकता। थैंक यू। लेकिन जो चारों तरफ बातें सुन रहे थे, या चारों बुजुर्गों की बातें जो कानों में पड़ती थी, जो अखबारें पढ़ते थे, समझ ही आ रहा था कुछ हो रहा है जो सही नहीं हो रहा,
क्योंकि वरना मार धार क्यों हो रही है, मार क्यों हो रहे हैं। लेकिन जो मंजर देखे हैं वो मेरी इस ज़िंदगी में, इस उम्र में अब उतर नहीं सकते। आज तक देखता हूँ, आज तक वो नाइटमेयर जो मैं कोई 20 साल 25 साल देखे हैं कि मेरे सामने मेरे स्कूल की दुआ जो पढ़ता था लड़का, उसको कैसे जाके मारा गया, उसको तलवार लेके पकड़ के गया, कहता इसे मैं पाकिस्तान भेज के आता हूँ। मैं वो शक्ल नहीं भूल सकता। उनको जिनको सब्जी मंडी घंटा घर के उस रोड पे, सब्जी मंडी में रोशनारा रोड पे जिनको जलाया गया, कुर्सी मिली कुर्सी डाल दी, ये चारपाई टूटी मिली तो उड़ा दी, जो भी डाल दी और जला दिया गया, और तमाम मोहल्लों में आसपास बदबू। वो नौ दस आठ नौ दस साल की उम्र के वो बदबू, वो क्या उतर सकती है जहन से? वो अगर आपने सूंघे होती, देखी होती, तो आपके इतिहास से भी नहीं निकल सकती और अब भी नहीं निकलती। तो वो एक इनहेरेंट और एब्जॉर्ब्ड इन योर लाइफ, इन योर लाइफ स्टाइल। तो जब भी आप बात करेंगे तो मुझे पाकिस्तान पड़ोसी लगता है, या मुझे दूसरा कमरा लगता है, या मुझे अपने कमरे की दूसरी खिड़की लगती है, मुझे इस कदर पास लगता है। तो वो अलग नहीं देख सकता मैं, क्योंकि मैं उसमें से गुजरा हूँ और देखा और रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं झलकेगा। मैं हंसी मजाक भी करता रहता हूँ आप लोगों के साथ, बड़े लतीफ़ों में बात करता हूँ, कोई ना कोई जोक कर लेता हूँ, हंसा देता हूँ, हंसता भी रहता हूँ। और ये बात सच है कि कभी कभी जब मैं अकेले में बैठ के अपनी नज़में देखता हूँ तो मुझे ये हैरत ज़रूर होती है कि इसमें ये उदासी क्यों उतर रही है, ये कहाँ से आ गई। वो कहीं एक लेयर पीछे नजर आ जाती है। और बिल्कुल इसमें एक बात जोड़ूंगा, गुलजार साहब के इस अनुभव का जो इसका क्रिएटिव एस्पेक्ट है, दुम्बे, हिलसा, एलओसी, ओवर, जामुन का पेड़, कुलदीप नैयर और पीर साहब, ये ऐसी कहानियाँ, धैया और दीना में, और सरहद के आँखों को वीज़ा नहीं लगता, ऐसी नज़में हैं, हज़ार बार रुके हम हज़ार बार चले मम्मो का गीत है, छोड़ आए हम वो गलियां माचिस का गीत है। तो जब मुझे किताब लिखनी थी तो मेरे लिए एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के ये देखना कि गुलजार साहब का की जो पेरिफेरी है वो इतनी इतनी चारों तरफ जाती है, आपको नज़्म में भी ढूंढना है, आपको फिल्म सॉन्ग में भी ढूंढना है, आपको उनकी कहानियों में भी ढूंढना है, आपको उनके इंटरव्यूज़ में भी देखना है, और सबका एक अमलगमेशन करके रख देना है। क्योंकि एक बात आप जब शुरू करते हैं और अगर उसको वहाँ छोड़ देते हैं तो दोबारा अगर आपने नज़्म पे बात कर ली और कहानी छोड़ दी, तो जब आप कहानी पे लिखने जाएंगे तो पढ़ने वाले को रेपिटिशन लगेगा, वो लगेगा अभी तो हम पार्टीशन पढ़ के आए हैं, अभी तो हम अनुभव पढ़ के आए हैं। ये काम करने में इस होमवर्क में बहुत समय लगा कि कुछ भी ना छूटे, और जहाँ से चीज़ें उठाते हैं, मैंने तमाम सारे ऐसे इनके गीत चुने जिसमें वो उनकी कहानी रिफ्लेक्ट हो रही है, कहीं से कोई नज़्म रिफ्लेक्ट हो रही है, कहीं से कोई बचपन की बात रिफ्लेक्ट हो रही है। और एक बात कहना चाहूँगा, इनके पिताजी कहते थे, गुलजार साहब के, श्री माखन सिंह कालरा साहब, उन्होंने कहा कि कयामत आई है, आंधी आई है, प्रलय आई है, गुजर जाएगी। तो ये बात गुलजार साहब बहुत शिद्दत से याद करते थे, किताब में जस कतस वैसे ही आई। अब मैं यहाँ से क्या बताऊँ आपको, ये सही है कि मैंने जिस हाल में देखा है अपने वालिद साहब को उस दौरान में, जब ये सब कुछ हो रहा था हमारे कैपिटल में, और वो जगह जगह से आते हुए लोग, और रिफ्यूजी कैंप बनते चले गए, रिफ्यूजी कैंप जब बन रहे थे कैंप्स कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज के पास, और सारे हमारे स्कूल बंद हो गए थे, स्कूलों में उनकी शरणार्थियों की जगह थी, और वो जगह जगह बिल्कुल बावरे से, जब मैं कहता हूँ तो अब लगता है मैं उन्हें बावरा कह सकता हूँ, उस वक्त तो नहीं कह सकते थे, लेकिन वो बावरों की तरह घूमते फिरते थे, और किसी कैंप में कोई मिल जाए, पंजाबी में कहते थे यार कोई ग्राई मेरा मिल जाए, कोई मेरे गाँव वाला मिल जाए, और पकड़ के ले आते थे घर पे। बहुत से लोगों को मालूम था कि मखन सिंह का एक घर है यहाँ,
तो कुछ लोग वहाँ जैसे पहुँच गए, घर पूरा एक रिफ्यूजी कैंप था एंड दैट बिकेम अ रीजन ऑफ सेंडिंग मी अवे टू बॉम्बे टू माय ब्रदर, उसकी एक वजह बन गई थी। तो ये सारे लम्हे रिफ्लेक्ट तो करेंगे आपके काम में भी, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। और मुझे ज़रा सा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने बड़ी बड़े उदास किस्म के सब्जेक्ट से बात शुरू कर ली है, पर वो नेचुरल है कि हम उस तरफ फिसल गए। इसमें बहुत मजेदार वाक्य भी हैं गुलजार साहब के, कैसे अपने मित्र के लिए, उनकी महबूबा के लिए गुलजार साहब खत लिखते थे। वो बताते थे तो गुलजार साहब खत लिखते थे। वो एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, उनके लिए लिखा जाता था। एक PWA के बाद ये एक क्लास में जाते थे पढ़ने, तो वहाँ की जो मैडम थी पढ़ाने वाली वो बड़ी हसीना थी, उनको देखने के लिए गुलजार साहब उनके सारे दोस्त क्लास अटेंड करते थे। तो बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ें ज़िंदगी की, और कुछ भी इन्होंने पर्दा नहीं रखा और सब बताते गए और मैं लिखता चला गया। तो अब हम आते हैं एक और बहुत मज़ेदार कहानी पे। अगर कहीं और जाके तो मैं पार्टीशन की एक नज़र पढ़ देता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा है कि आप गुलजार साहब कह रहे हैं कि आपको उर्दू नहीं आती। इन्होंने एक किताब पे मुझको लिख के दिया था, यतीन जिसको उर्दू नहीं आती, और उर्दू में ही लिखा था, और ये पूरी फाइल उर्दू में है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक मिनट ले रहा हूँ, मैं ज़रा देख लेता हूँ नज़में ताकि ये बात। जब तक मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, जब तक आप ढूंढते रहें कि जो इनके फिल्मी सॉन्ग्स हैं उनमें गुलजार साहब कहते हैं कि आई देन डू नॉट राइट, आई एम देर इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ मी इन ऑल द सॉन्ग्स, बट देन आई एम द कैरेक्टर, सो ही मूव्स अवे फ्रॉम हु ही इज टू बिकम द कैरेक्टर। ऑल योर्स। जी मैं कर लेता हूँ। मैं हूँ थोड़ा सा, मैं अटपटा सा, तो क्या करते हैं? मैं सिर्फ अब ताकि ये सब्जेक्ट हम कहीं आगे निकल जाएंगे, फिर ये आए और फिर दोबारा ये नज़म आएगी, तो इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि इसी वक्त ये दो चार नज़में पेश कर दूं। और मैं इतना कह सकता हूँ, लगा दीजिए ना, इसीलिए तो आया हूँ यहाँ, ताकि मुझे वो जैसे मैंने कल भी कहा था कि एक साथ कप सॉसर चम्मच और ऊपर से बिस्किट भी खाना, तो ये सारे चार चीज़ें नहीं संभाली जा सकती, तो इसलिए मैं हम सब भाग रहे थे। चलिए एक मंजर आपको दिखा देता हूँ, आप अगर मेरे साथ चलें। भीम जी बैठे हैं यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा देख के आपको। हम सब भाग रहे थे, रिफ्यूजी थे, हम सब भाग रहे थे, रिफ्यूजी थे। माँ ने जितने जेवर थे सब पहन लिए थे, बांध लिए थे। छोटी मुझसे 6 सालों की, दूध पिला के खूब खिला के साथ लिया था, जो जरूरी समझा। हम सब भाग रहे थे, रिफ्यूजी थे। माँ ने जितने जेवर थे सब पहन लिए थे, बांध लिए थे। छोटी मुझसे 6 सालों की, दूध पिला के खूब खिला के साथ लिया था। मैंने
अपनी एक अमीरी और एक लाटू पाजामे में उड़स लिया था। मेरी दौलत उतनी ही थी, मेरी उम्र की, मेरे बचपन की। भमीरी है जो यूं फिरकी का घुमा ले तो घूमती रहती है, और लाटू आप जानते हैं। मैंने अपनी एक भमीरी और एक लाटू पाजामे में उड़स लिया था। रात की रात हम गांव छोड़ के भाग रहे थे, रिफ्यूजी थे। आग धुएं और चीख पुकार के जंगल से गुजरे थे सारे, अकेले नहीं, सभी थे। हम सबके सब घोर धुएं में भाग रहे थे, हाथ किसी आंधी की आंतें फाड़ रही थीं, ये हालत थी। हाथ किसी आंधी की आंतें फाड़ रहे थीं, फाड़ रहे थे। आंखें अपने जबड़े खोले भौंक रही थीं, आंखें यूं लगता था डरी हुई, घबराहट, खौफ, गुस्सा। आंखें अपने जबड़े खोले भौंक रही थीं, और माँ ने दौड़ते दौड़ते खून की कै कर दी थी। माँ ने दौड़ते दौड़ते खून की कै कर दी थी। जाने कब छोटी का मुझसे छूटा हाथ, वहीं उसी दिन छोड़ आया था, फेंक आया था अपना बचपन। लेकिन मैंने सरहद के सन्नाटों के सहराओं में अक्सर देखा है, एक बमीरी अब भी नाचा करती है और एक लाटू अब भी घूमा करता है। ये एक स्टेज थी। उसके बाद मैंने जो नाइटमेयर्स की बात करता हूँ, आके कैन ये ख्वाब में आना, ये लम्हे, ये वक्त छूट नहीं सकता, लेकिन वी हैव टू क्रॉस इट, वी हैव टू गो बैक, वी हैव टू कम बैक टू लाइफ। लेकिन एक जगह और आई, सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, एक ख्वाब ने दस्तक दी मेरे दरवाजे पर आकर। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए। हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है, जो हम आपस में बांटते। पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए, और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था। और होंठों पर मीठे गुड़ का जाया अभी तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है। मैं एक और छोटी सी, ताकि मैं आपको वहाँ तक ले चलूँ जहाँ तक मैं आया हूँ। हालात संभलते गए, संभलते गए। मेहदी साहब हमारे यहाँ आए, हमारे आर्टिस्ट वहाँ गए, वहाँ के फनकार यहाँ आए, वहाँ के क्रिएटिव पीपल। आदमी लोगों का रिश्ता कभी नहीं टूटा, लोगों का रिश्ता हमेशा उसी तरह बना रहा। सियासत अपने खेल खेलती रही, लेकिन लोगों ने, लोगों के हाथ छोटे ने, हाथ छूटे भी तो छोड़ा नहीं करते, वक्त की शाख से हम लम्हे तोड़ा नहीं करते। आँखों को यहाँ से चले गए, इलाज कराने हमारे यहाँ आए मेहदी साहब, उसके बाद चले गए। और मुझे बड़ी अच्छी सौगत रही उनके साथ, घर पे आना जाना भी रहा। अपने जब गए तो जी चाहता था मैं जाऊँ मिलूँ, तो एक प्रॉब्लम आया था, वो शायद सरकारी था,
पासपोर्ट में वीजा लगाना पड़ता है, तो मुझे कहना पड़ा आँखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं, बंद आँखों से रोज मैं सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। आँखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं, बंद आँखों से रोज मैं सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। सुनता हूँ उनकी आवाज़ को चोट लगी है और गजल खामोश है, सामने बैठी हुई है, कांप रहे हैं होंठ गजल के जब कहते हैं, सूख गए हैं फूल किताबों में, यार फराज भी बिछड़ गए, अब शायद मिले वो ख्वाबों में। बंद आंखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूं मैं, आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं, ये सपने कायम रखो, ये सपने साथ लेके चलेंगे, हम सब चलते रहेंगे, ये सपने नहीं मरने देंगे। और वो दरवाजे खुल गए तो मैं एक बार पाकिस्तान हो आया, जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो आपको उसकी इस फेज को, इस चैप्टर को उससे क्लोज कर दूँ, छोटी सी है। सुनो, इस बार भी रमजान के दिन थे, मैं पाकिस्तान आया था। सुनो, इस बार भी रमजान के दिन थे, मैं पाकिस्तान आया था, मेरे वीजा में इफ्तारी तलक रुकने की गुंजाइश नहीं थी, मैं बॉम्बे लौट आया। कराची के समंदर पर मैं एक कागज की कश्ती रख के आया हूं, कराची के समंदर पर मैं एक कागज की कश्ती रख के आया हूं, हवा का रुख कभी बदला तो शायद बह के आ जाए, हवा का रुख कभी बदला तो शायद बह के आ जाए, वगरना चांद निकला ईद का जिस दिन, उसी को फूंक से तुम ठेल देना, मैं साहिल पर खड़ा हूं, मैं साहिल पर मिलूंगा। थैंक यू। गुलजार साहब, ये वेल आई वॉज ट्रांसलेटिंग दिस बुक, मैं बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों से मिल पाई, थैंक्स टू यू। आई मीन आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल लाइक टैगोर, आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल लाइक बिमल रॉय साहब, आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल लाइक ए आर रहमान एंड यू नो इलिया राजा। तो टैगोर के connection mein there is a beautiful story of how you met Tagore for the first time through a book, wo aap share kijiye na. Interface with Tagore first time, the gardener wo phir purani baatein, acha nahi baatein karenge, nahi baatein phir nostalgia. Gulzar sahab se chaliye, main jaau wahi pe कंट्री दे दो ना, कंट्री। सवाल था सत्या जी का कि फर्स्ट मीटिंग विद टैगोर, वो मेमोयर सुनाइए, उसके एवज में गुलजार साहब अपनी नज़्म सुना रहे। अच्छा, ये कहीं सिलसिला ताना मैं मिला दूं उसके साथ ही, जो बात हम करते आ रहे हैं कि हमारे जब आके हम दिल्ली में बसे तो मैंने बताया था कि हमारा घर किस तरह से एक रिफ्यूजी कैंप बन गया था, तो घर की सहूलियतें किसी तरह से करने के लिए हमारे बाबा को, हमारे वाले साहब को, जिनको मैं अब्बू कह के जिक्र करता हूँ, बुलाता अब्बू नहीं था, लेकिन मैं जब भी नज़्म में जिक्र करता हूँ तो
मुझे अब्बू कहना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं अब्बू कह के उनका जिक्र करता हूँ नज़मों में। उसमें से ये था कि मेरा ऐसा ये था कि भाई स्टोर रूम है जो, उसमें जाकर टोपियाँ थैले की दुकान बना ली थी पाले साहब ने, तो वहाँ पे जाके सो जाओ, सुबह आओ, घर में नहाओ धो, किताबें उठाओ, स्कूल जाओ, पढ़ के वापस दुकान पे आके बैठो, रात को जाओ घर पे खाना खाओ, स्टोर रूम में जाके सो जाओ। वहाँ बिजली नहीं थी, तो मुझे एक चिमनी वाली लालटेन में जागते रहना पड़ता था, सोना नहीं था, क्योंकि इतनी जल्दी अब कहाँ, और उस उम्र में तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती आपको, बात पढ़ने का थोड़ा थोड़ा आदत थी और अच्छा लगता था, उर्दू में पढ़ता था, स्कूल में उर्दू पढ़ रहे थे, तो रिफ्यूजियों ने जगह जगह अपने अपने टीले बना लिए। पर बड़ी खूबसूरत, बहुत बड़ी बात है हमारी कौम की कि साहब इतने रिफ्यूजीज आए, किसी को भीख मांगते नहीं देखा हमने। दिल्ली दिल्ली ऐसे कह रहे हैं, सब ने कोई ना कोई रोजी का तरीका बना लिया, या गुरुद्वारे में चले गए, खाना वहाँ खा लिया, जिनके पास कोई सोर्स नहीं था। एक रिफ्यूजी ने आके एक लकड़ी का छोटा सा वो बना लिया था डिब्बा, उसी पर वो अखबारें बेचने लग गया, कुछ किताबें लाया था या जमा कर ली या लेके आया था, हो सकता है कोई टीचर रहा हो, वो किताबें किराए पे देता था, एक हफ्ते के चार आने, जो भी किताब लेके जाओ चार आने में। तो एक नया तरीका था, मैं जाता था, जितने जासूसी नावल और जितनी तरह की थ्रिलर्स वो सारे नावल वो लेके आता था, और वो एक नावल के छोटे छोटे पढ़े हुए, शहजादा तबस्सुम और फलाने परवेज, उनके नाम याद हैं, तो रात की रात किताब ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि वो सस्पेंस वाली किताब में एक ये खूबी है कि वो आप छोड़ नहीं पाते जब तक राज पता नहीं चल जाए। तो अब राज ढूंढते ढूंढते राज ख़त्म ही, मैं अगले दिन फिर गया, मैं गई तो पढ़ ली, दूसरी किताब दे दो, दूसरी ले आए, तो वो आदमी चिड़ गया मुझे, क्या किनिया किताबें देंगे तेन, चार आने देश की तो दुकान ले जाने मेरी पंजाबी में बोल। उसने ऊपर के ताक से किताब उठाई और मुझे दे दी, ये ले जाओ पढ़ो। That book happened to be Gardner by Tagore. और पता नहीं क्यों वो किताब कहीं लग गई मुझे, और पहली नज्म का नाम माली था, ये भी याद है मुझे, उर्दू में तर्जमा था। फिर मैं उसको पढ़ता ना, उसको दो तीन दिन पढ़ा मैंने, उसके बाद फिर दूसरी किताब लेने गया, तो उसका जिस तरह का टाइटल था उस तरह की और किताबें नज़र आईं, जो डिज़ाइन था, कहीं बंगाली लिटरेचर ट्रांसलेट किया हुआ उर्दू में एक सेट था, तो मैंने वो मांग ली और पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब तक वो भूल नहीं गया, मैंने वो गार्डनर उसे वापस नहीं की, चोरी कर ली। That was the first book which I stole. Can you imagine कि एक आदमी इतने बड़े पार्टीशन, मुल्क का ये कुछ हो गया, खून खराब हो गया, उसमें एक आदमी आया है मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए। And that was the change of my life. That was the change of my selection of books. और मैंने शरचंद्र को उसी दौर में पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद को भी उसी दौर में पढ़ लिया, और वो जो वो लगन लगी है, तो बस उसके बाद हिम्मत तो नहीं पड़ी कि गुरुदेव को ट्रांसलेट करूं, मेरी हिम्मत नहीं थी, बरसों लगे वहां तक पहुंचने में, पर उनको पढ़ता रहा तो लगा कि बंगाली दोस्त स्कूल में थे, उनसे सुनते थे, तो लगा कि यार बंगला सीखनी चाहिए, ये बंगला में जिस तरह बात करते हैं बड़ी मीठी लगती है, और हर चीज़ गोल गोल लगती है बड़ी बड़ी, तो मुझे तो लगता है कि गालिब भी अगर वहाँ एक साल सवा साल रहे हैं, तो कम से कम महीने दो महीने के बाद भी गरम को वो गौर गौरम गौरम बोलने लगे होंगे, तो उनकी भी ज़बान बदली होगी। लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही कहना था, जो अब जाके बड़े होने के बाद कहा कि
एक देहाती मुझे नजर आया, एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे और लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था, गुड़ की खुशबू सुनकर भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। और आप सोच सकते हैं छतरी क्या होगी जो भिन भिन करती है, मक्खियाँ तो उड़ेंगी। एक गुड़ की खुशबू सूंघ के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैं देहाती, मेरे सर पर ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी, किसने रख दी। थैंक यू। इज दैट आंसर यू हैव? थैंक यू। मैंने टैगोर का जवाब दे दिया। अब तो आप बोलिए कुछ, आप लोग तो बोल ही नहीं। अब टाइम तो बस खत्म होते जा रहा है, तो क्या करें? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, समय जब 14 साल कम लगे तो 45 मिनट किसी काम का नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये कहा जाता है कि आप प्यास को संतुष्ट कर दीजिए, उससे बेहतर है कि प्यासा अतृप्त छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मेरे किताब के हक में है। वो आप खरीदेंगे, पढ़ेंगे, गुलजार साहब को ढूंढने का जतन करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं जिसमें पहली बार वो पूरी तरह व्यक्त होते हैं, फैमिली के लेवल पे, सिनेमा के लेवल पे। वो पत्र लिखते हैं पोप को कि गैलीलियो को माफ़ी दे दी जाए क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया है। वो तमाम सारे ऐसे काम करते हैं जिन्हें ढूंढना और सजोना बहुत मार्के का था, सिनेमा के संदर्भ में, शायरी के संदर्भ में, उनके ज़िंदगी के संदर्भ में। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि गुलजार साहब ने भरोसा किया और वो काम मैं कर पाया। वंडरफुल। एंड मैं भी बहुत ही आई एम वेरी ओब्लाइज्ड, वेरी ग्रेटफुल फॉर द ट्रस्ट दैट बोथ ऑफ यू हैव पुट इन मी दैट आई कैन वर्क ऑन दिस बुक। Thank you very much. Can I invite Aditi ji, for a minute? Aditi, ek baar aa jaye saath mein. Let's have publisher, a photo of saath mein photo ho jaye Gulzar sahab ki kitab ke. Gulzar sahab ko bahut dhanyawad, aabhaar. Aap sabhi ka bahut dhanyawad. Kitab is mahine ke shuruaat mein Bombay mein aap sabhi ke beech pahunch gayi thi aur usi din pehla edition khatam ho gaya tha. Aaj आप सभी के बीच दूसरा संस्करण उपस्थित है। अ ह्यूज राउंड ऑफ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर आवर डियर गुलजार साहब फ्रॉम द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। थैंक यू सो मच।